हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और मैं इस चैनल पे फ़ोन की रिव्यूज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। बट आज हम बात करने वाले हैं BGMI के बारे में। तो रिसेंटली क्राफ्टन ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए हैं और गेम में चेंजेस करे हैं बिलो 18 एज के लिए, यानी कि 18 साल से जो भी नीचे बच्चे हैं उनके लिए। उन्होंने बेसिकली कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है गेम रिस्पॉन्सिबली, जिसको बेसिकली पेरेंशियल गाइडेंस के लिए इशू किया गया है, जहां पे दो चीज़ें मेजरली काम करेंगी। एक तो है कि भाई OTP वेरिफिकेशन का काम है और दूसरी चीज़ है कि भाई टाइम लिमिटेशन लगा दी गई है। अब दोनों के बारे में हम बात करते हैं। OTP वेरिफिकेशन में बेसिकली क्या होने वाला है कि जब भी कोई भी बच्चा 18 साल से नीचे वाला है तो वो जब भी रजिस्टर करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी उसमें ऐड करेगा। और इससे क्या होगा, बेसिकली पेरेंट्स को भी पता रहे कि भाई उनका बच्चा कहीं ना कहीं BGMI गेम खेल रहा है और खेलने वाला है। अब दूसरी चीज है कि टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट एक दिन के लिए 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए है 3 घंटे। और एक और बहुत ही बड़ी चेंज हुई है कि पहले ऐसा होता था कि भाई बच्चे अगर ही एडिक्टिव हो गए हैं, बच्चे बहुत ज्यादा गेम के अंदर घुस चुके हैं, तो वो लोग भाई पेरेंट्स के अगर फोन से खेल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस को उड़ा देते थे, जितना मन करता था भाई पैसे खर्च कर दे रहे हैं, बट बाद में उनको भुगतना पड़ता था। इसके लिए बेसिकली क्राफ्टन ने एक लिमिट लगा दी है 7,000। इसका मतलब ये कि आप एक दिन में बेसिकली 7,000 तक खर्च कर सकते हो गेम में। ये तीनों ही एक बहुत बड़ा मूव है क्राफ्टन की तरफ से, स्पेशली बच्चों के लिए। तो अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आई एम सॉरी फॉर यू गाइज, बट ठीक है, जो भी है अच्छे के लिए है और गेम पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये समय है अभी पढ़ाई लिखाई करो, IVSS बनो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू, दिस वॉज अ स्मॉल अपडेट बाय BGMI गेम। हाँ चलो, बाय बाय।